हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनकट मोमेंट्स। शाम के बज रहे हैं 6 एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए। मतलब हमें जाना है एक्चुअली कंपाउंड को कंप्यूटर टेबल लेना है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो घर नीचे बैठ के काम करने में बैक में पेन हो जा रहा है। सोचे कि आज सैटरडे है तो चले जाते हैं। नोएडा में तो बारिश रुकी नहीं रही है भाई, हर जगह ठंडी आना चाहिए तो यहाँ पे बारिश अभी आई है। पूरा जून जुलाई सूखा पड़ा था, गर्मी एकदम भयंकर वाली, एंड अभी बारिश आ रही है यहाँ पे। रिसेंटली हम लोग ऐसे ही सोसाइटी से निकल रहे थे बाहर जाने के लिए, एंड एक बच्चा ऊपर से सेब फेंका और वो एग्जैक्ट मेरे पैर के बाजू में टच हुआ। मतलब भाई साहब, उसका निशाना बताओ। हाँ, एकदम जस्ट पैर के बाजू में आके गिरा। तो मैंने बोली चलो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे होंगे। लेकिन हम जैसे ही आगे गए, हमारे पीछे से एक बुज़ुर्ग आदमी आ रहे थे, उनको सेब फेंक के मारे। भाई साहब, उनको लग जाता तो क्या होता। तो हम गए थे ऊपर उनके घर में कंप्लेन करने, तो फिर उनकी माँ डिनाई कर रही है एकदम से कि घर में तो सेब है ही नहीं। और वही दो बच्चे, जब हम डोर ओपन नॉक किए उनका दरवाज़ा, तो वो बोलते हैं कि घर में कोई बड़ा है ही नहीं। मैंने बोली वाह, एक तो बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से माँ बाप डिनाई कर रहे हैं। एटलीस्ट ऐसे टाइम पे अपने बच्चों को थोड़ा सा चिल्लाना तो चाहिए। मतलब उनको समझाओ कि ये सब ऐसे काम ना करें, किसी को चोट लग सकती है। बहुत सोच समझ के निकलना पड़ता है। बाल के चश्मे उड़ गए, बाल पूरे गीले। एक्चुअली अब भी थोड़ा काम वाम ख़त्म करके हम लोग निकले घर से। घर पे आके काम भी करना है, घर के खाना भी बनाना है, एंड थोड़ा सा मैंने जेनपैक ना ज्वाइन करके, मतलब आप लोग ने अगर मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि मैं जेनपैक ज्वाइनिंग के लिए गई थी, बट हो नहीं पाया था ड्यू टू कोविड, कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी। लेकिन तो 1 वीक का मेरे को वो लोग ने टाइम दे दिया था कि तुम घर में रहो, एंड उस बीच में इतने प्रॉब्लम्स हुए, बाय गॉड। थोड़ी देर के लिए तो समझ में ही नहीं आता था कि क्या करें, कैसे सिचुएशन को फेस करें। एंड वो टाइम पे मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी आई एक्सेंचर से, सो आई हैव जॉइंट एक्सेंचर, एंड उसी के थोड़े बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने हैं। लाइक जॉइनिंग हो चुकी है मेरी, वर्चुअल जॉइनिंग थी वहाँ पे, तो 22nd को मेरी जॉइनिंग भी हो चुकी है, और 24th है। हाँ, तो उन्हीं के थोड़े बहुत फॉर्मेलिटीज़ बचे हैं, तो वो भी मेरे को आज ही ख़त्म करने हैं। एक्सेंचर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब मैंने कभी नहीं देखा था इतना। इवन जेनपैक का भी काफ़ी स्ट्रिक्ट था, मैं उसकी स्टोरी भी शेयर करूँगी क्या हुआ था मेरे साथ बीच में, कितने मतलब क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया। अगर ये वीडियो मैं बताऊँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखते हैं। बेटा तेरा कोई फोन ही लेके चला जाएगा। गोलगप्पे खा लिए भैया, बाहर निकलो और गोलगप्पे ना खाओ तो क्या ही मज़ा आता है। बहुत मस्त होते हैं यहाँ के गोलगप्पे, मतलब मुंबई का टेस्ट अलग है एंड नोएडा का टेस्ट अलग ही है। मुंबई में गरम गरम होते, यहाँ पे ठंडे होते गोलगप्पे। सो वी आर ऑन द वे, एंड खाने में हालत ख़राब हो जाती है यार, इतना चलना पड़ता है ना। हाँ, ट्रेंड्स में चलेगा पवन। हाँ, कहाँ है, कहाँ दिख रहा है आपको ट्रेंड्स? लाइफस्टाइल है ये। हाँ, नहीं एक्चुअली
जाना तो फर्नीचर मार्केट था जो गौर सिटी के पास में है, लाइक पीछे बाजू ही है यहाँ के, बट बारिश होने लगी तो हम लोग सोचे गौर सिटी में थोड़ी देर रुक लेते एंड फिर जाएंगे। हर सैटरडे संडे गौर सिटी आना हो ही जाता है, बोर हो गए अब यहाँ के एक एक शॉप से याद हो गए कहाँ पे कहाँ कौन सा शॉप है। नहीं लाइफस्टाइल नहीं, ट्रेंड्स का कार्ड पड़ा है तो सोचा कुछ शॉपिंग ही कर लेते अब आ ही रहे हो तो। Two thousand years later. So guys, we are back to home and काफ़ी शॉपिंग हो गई आज, मतलब मैंने खुद के लिए भी किया एंड घर में भी कुछ कुछ सामान। नवरात्रि आ रही है तो फिर ब्रेकफास्ट ये सब में देखना पड़ेगा पवन को, क्योंकि उनको रोज एग या फिर ऐसा कुछ चाहिए होता है नॉनवेज में। सो मैंने क्या शॉपिंग किया मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे घर के काम भी करने हैं, खाना बनाना है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल बटन को हिट करें जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो गाइज बाय।